तभी मैं सब कुछ खा चुके, मैंने सब कुछ पॉलिश अप कर लिया और कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इतना ज़्यादा स्पाइसी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता अभी। तो अस्सलाम वालेकुम, सुनने बात तो नजर लोग, तो आज कल लोग मैं रेस्टोरेंट पर ही शुरू कर रहा हूँ, मतलब आज मैंने सोचा रेस्टोरेंट पर ही शुरू कर रहे, तो आज हम लोग आए ये अल्लाह मोमोज। जैसे मैं आपको मैंने देखा होगा चांद रात वाले व्लॉग में कि मैंने मोमोज खाए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए थे उस मोमोज में। तभी हम लोग यहाँ पर मोमोज भी खाने हैं और चाइनीज़ भी खाने आए हैं, और ये मैंने काफ़ी इसके अच्छे रिव्यू सुने कि यहाँ के मोमोज अच्छे होते हैं और यहाँ के खाना भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए थोड़ी सी पुरानी लग रही, चूँकि मुझे लग रहा इधर इतने ज़्यादा लोग भी, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा पार्किंग, मतलब मुश्किल से इधर पार्किंग मुझे मिली है। और चलो अभी हम लोग अंदर जाते हैं। फर्स्ट पांडे वीक का जिसने मोमोज बनाए थे जो 2012 में बनाए थे, फर्स्ट पांडे जिसने यूए के सिनेमा में सर्व किए मोमोज। याला मोमोज को जोमाटो और सोनी टीवी से भी अवार्ड मिला कि यार ये तो अवार्ड विनिंग मोमोज हैं। तो जो खरीद टाइम्स और गल्फ टाइम्स ने भी इसको मेंशन किया इनके इनके वेबसाइट में। तो मैं आप लोग के लिए ट्राई करने हूँ कि मोमोज मैंने पहले खाए हुए एक दफ़ा, आपने देखा होगा तो, और मैंने चाइनीज़ भी खाया हुआ, आपने मेरा वो भी ब्लॉग देखा होगा, अगर आप लोग मुझे देखते होंगे तो। अभी हम लोग यहाँ के चाइनीज़ और यहाँ के मोमोज ट्राई करेंगे। देखें यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे फर्स्ट जॉइंट इन यूएई है। तो अभी 217 मोमोज के लिए मुझे लगता है एक ये स्पाइसी वाला, तो अभी हम लोग इसको खोलते हैं। तो ये देखें ऐसे ऑरेंज और रेड का है ऐसे, और ये है नॉर्मल वाला मुझे लगता है, और ये भी देखिए ऐसे सॉस है। तो ये हमारे मोमोज आ चुके हैं, चिकन फ्राई मिल जाएगा, इसके ऊपर सॉस आएगा, लेकिन इन लोगों ने सॉस खुद ही दी और हम लोग इसमें खुद डिप कर कर खाएंगे। तो अभी हम लोग मोमोज ट्राई करते हैं, देखें ऐसे लग रहे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी ऐसे क्रोसॉन्ट के शेप में। तो हम लोग सॉस के अंदर डिप करते हैं नॉन स्पाइसी वाले, पर नॉन स्पाइसी वाले के साथ ट्राई करते हैं। काफ़ी मज़े के मोमोज इसमें सॉस में डिप करके काफ़ी मज़ा आ रहा है, और काफ़ी गर्म है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे गर्म है, बाहर से एक थोड़े से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और अंदर जो मुझे लगता है चिकन इन लोगों ने डाले, और ये अच्छा है वे कि आपको जो भी सॉस चाहिए आप उसमें ही डाल दो। तो आप देखिए ये है इसकी फिलिंग्स के अंदर चिकन वगैरह, और काफ़ी मज़े की लग रही है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, तभी मैं तो खाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे साथ मिस्टेक हो गई थी, ये शेजवान मोमोज और वो नॉर्मल मोमोज है, तो ये भी शेजवान मोमोज मैंने उस दिन खाए थे, काफ़ी मज़े थे, तभी हम लोग ये भी खाते हैं। अभी हम लोग शेजवान मोमोज ट्राई करते हैं। और शेजवान मोमोज थोड़े से स्पाइसी हैं और उसकी काफ़ी क्रिस्पी बाहर से और अंदर से चिकनी है, काफ़ी मज़े की फिल्म है। और जो मैंने उस दिन खाए थे उसके बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था, और काफ़ी मज़े के मोमोज मुझे काफ़ी अच्छे लगे मुझे। हमारी कभी हमारी ग्रेवी अच्छी शेजवान ग्रेवी ना शायद, ये नहीं ये कोई ग्रेवी है उसके साथ है। हमारे पास है शेजवान राइस, और ये काफ़ी मज़े के लग रहे, मुझे तो उसको स्मेल करने में इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, अरे कितना मज़े के ग्रेवी उसके साथ चिकन और फ्राइड, और ये फ्राइज काफ़ी मज़े के। अभी हमारे यमी यमी ड्रमस्टिक्स आ चुके हैं, देखिए कितने ज़्यादा सॉसी है, और ये फॉइल में भी है, और तो उसके बाद काफ़ी गर्म होंगे, और मैं इसकी शक्ल से ही बता सकूँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और स्पाइसी होंगे। तभी मैं आपको शेजवान मोमोज की फिलिंग दिखाता हूँ, लेकिन काफ़ी मज़े की लग रही है वो से मोमोज के, ऑलमोस्ट सेम है इसकी क्या हम इसकी फिलिंग काफ़ी मज़े की है, और इसके बाहर से कैसे मज़े का शेजवान का टेस्ट है ना, मैं लिटरली बात ही नहीं कर सकता, मेरे मुंह में खुद ही जा रहा है, मैं रोक ही नहीं सकता।
में शेजवान नूडल्स भी आ चुके हैं, काफ़ी मज़े के ये भी लग रहे हैं, ये भी मैं खाऊंगी ग्रेवी के साथ। और अभी मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा ड्रम स्टिक, आप देखें काफ़ी मज़े की लग रही, इतनी बड़ी बड़ी पीस, तभी हम लोग खा कर देखते हैं। काफ़ी मोमोज का इसका थोड़ा सा टेस्ट है, शेजवान के मोमोज के साथ उसका थोड़ा सा मिलता जुलता टेस्ट है, काफ़ी मज़े का है। बाहर से भी क्रिस्पी है, अंदर से चिकन काफ़ी अच्छी और काफ़ी गर्म है, तो मैंने छोटा सा ही बाइट लिया, काफ़ी मज़े की है। और मुझे इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज काफ़ी अच्छा लगा है। तो अभी मैं थोड़े से राइस के साथ ट्राई करूँगा, ये हमारा जो ग्रेवी आई है इसके साथ, ये शेजवान राइस के साथ, तो उसमें हम लोग राइस डालते हैं और हम लोग थोड़ी सी अभी ग्रेवी लेंगे, तो ट्राई करेंगे मंचूरियन शेजवान राइस के साथ। इसका थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, जहाँ तक मैंने खाया है चिकन का टेस्ट आपको आ रहा है मंचूरियन का टेस्ट, लेकिन राइस में शेजवान मतलब फ्लेवर आ रहा है कोई डिफरेंट, जैसे मैंने खाया है। ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी है, तो ये न्यू फ्लेवर हो गया मेरे लिए। तो अभी हम लोग नूडल्स खाएंगे, अभी हम लोग इसके नूडल्स भी ट्राई करते हैं इसके साथ, नूडल्स में भी चिकन, तो हम लोग ट्राई करते हैं ये है। ये नूडल्स काफ़ी मज़े के, मैं एक और भी इंडियन चाइनीज़ पे गया था, बिल्कुल वैसे ही हैं, कोर्स अच्छा थोड़ा सा स्पाइस का इसमें किक है, काफ़ी मज़े का। और मुझे खाना ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज, और ये चाइनीज़ काफ़ी मज़े था, मेरा फेवरेट मैं कहूँगा मुझे मोमोज लगे इसके शेजवान वाले, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के। तभी मैं सब कुछ खा चुके, मैंने सब कुछ पॉलिश अप कर लिया, और कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़े कर, इतना ज़्यादा स्पाइसी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और मोमोज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो मेरे फेवरेट है शेजवान वाले। मैं अल्लाह मोमोज से घर आ गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना था, और यहाँ का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगा। और आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय।